बाड़मेर का बालोतरा इलाका बजरी माफियाओं के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर पिछले कई दशकों से लगातार अवैध बजरी खनन का धंधा फल फूल रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि सरकारी स्तर पर इतने प्रयासों के बावजूद भी अब तक अवैध खनन पर किसी भी तरीके से कोई बंदिश लग नहीं पाई है। इन खनन माफियाओं के मन में न तो पुलिस का भय है, न सरकार का भय है और न ही इसके जिम्मेदार यानी माइनिंग डिपार्टमेंट का भय है। ऐसे में यहाँ करोड़ों रुपए की चांदी ये बजरी माफिया हर साल काट रहे हैं। बाड़मेर के बालोतरा इलाके के वृत्ताधिकारी धनफुल मीणा को एक ऐसी ही सूचना मिली, जिसके बाद जब वो मेगा हाईवे बाईपास पर पहुंचे तो वो खुद कहने लगे कि यह मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दरअसल बजरी माफिया ने यहाँ पर हजारों टन बजरी एकत्रित कर रखी थी। अब ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि माइनिंग डिपार्टमेंट की कहीं न कहीं इन बजरी माफियाओं के साथ मिली भगत है। कोशिश यह करनी चाहिए कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए सरकार गंभीरता दिखाए, क्योंकि बजरी प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार बाजार में बिकने को उपलब्ध हैं, वो भी महंगे दामों में। बजरी माफिया और सरकारी तंत्र की मिली भगत किसी से भी छुपी नहीं है। बजरी माफिया का बड़ा गढ़ बालोतरा, सिंदरी और गुड़ा मलाणी बना हुआ है। कहने को बजरी के अवैध खनन पर न्यायपालिका ने भी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन धरातल पर प्रतिबंध को पालना कौन करवाए। बाड़मेर में प्रतिबंध के बावजूद बजरी माफिया लूणी नदी को छलनी कर लगातार खनन कर रहा है। करोड़ों रुपए के इस धंधे के भागीदार बड़े बड़े रसूखदार हैं, जिनमें नेता, अधिकारी एवं सभी शामिल हैं। बाड़मेर के बालोतरा के सीओ धनपुर मीणा ने बड़ा बजरी स्टॉक बरामद किया है। मुखबिर की इतला पर मेगा हाईवे बाईपास पर सीओ अपने दल के साथ पहुंचे तो हजारों टन बजरी का स्टॉक देखकर आंखें चूंधिया गई। सीओ धनपुर मीणा के मुताबिक खनन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और सख्त कार्रवाई बजरी माफियाओं के खिलाफ की जाएगी। मैं तो जानता नहीं कौन कैसा मारवाड़ी है कि कैसा मारवाड़ी का स्टॉक सिद्धराज होटल के आगे राइट साइड में पड़ा हुआ है और काफ़ी मात्रा में उसने करीब 20-25 डंपर बजरी का स्टॉक कर रखा है। मेरे को सूचना मिली तो इस बार आकर के देखा, तो वाकई में यहाँ आकर के देखा मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी बजरी का स्टॉक अवैध रूप से कर रखा है। इसको बुलाए, इसके संबंध में जो माइनिंग अधिकारी है भगवान सिंह बाड़मेर, भगवान सिंह जी, उनको बता दिया गया है। उनके द्वारा फोर मैन जो इसका एनालिसिस करके वो असेसमेंट करके और इसके संबंध में जो उचित कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई की जाएगी, बजरी की जब्ती कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि बाड़मेर के बालोतरा से गुजरने वाली लूणी नदी से बजरी माफियाओं के एक छत्र राज में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की राजस्व हानि सरकार को पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसकी चैन इतनी मजबूत है कि इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत भी कोई जुटा नहीं पा रहा है।